मैं आपको स्टीवन कवी के प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस नहीं दूंगी, वो सब कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वो ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो आप गूगल भी करेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगी। बिकॉज रूह जो है वो आपके साथ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है। रूह की लैंग्वेज है इमोशंस। कुछ लोगों की नेचर होती है, दे आर वेरी ड्रिवन, सो वो लगता है कि दे आर हाईली इफेक्टिव इन लाइफ। कुछ लोग इतने ड्रिवन नहीं होते, वो ज़रा थोड़ा सा स्लो होते हैं, तो हम उनको लेज़ी कह देते हैं। तो एक तो ये चीज़ ज़रूरी है कि किसी को इस तरह से लेबल मत कीजिए, किसी की नेचर को पहले समझने की कोशिश करें। मैं आपको स्टीवन कवी के प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस नहीं दूंगी, वो सब कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वो ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो आप गूगल भी करेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगी। पर मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो इंसान की ज़िंदगी में एक ड्राइव या फ्यूल की तरह एक्ट करता है। अगर वो मिसिंग हो तो आप ये तमाम चीज़ें चाहे जितनी मर्जी करें, अपने आप को फोर्स करें, डिसिप्लिन करें, वो लेवल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सक्सेस या ड्राइव आपके अंदर नहीं आती। अब वो क्या है मिसिंग एलिमेंट? दैट इज़ पैशन। लोग, मैंने ये देखा है, ज़िंदगी में उनकी मोटिवेशन उस वक्त निकल जाती है जब वो अपने कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पैशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हैं, जो उनकी रूह को, यू नो, व्हाट मेड इट लिट अप, व्हाट मेड देयर स्पिरिट फील अलाइव। आप दिन में उठें और आपको फील हो एक्साइटमेंट, यू आर एनर्जाइज्ड, तो वो चीज़ जब आपने आहिस्ता आहिस्ता करके कॉम्प्रोमाइज़ वो ख़त्म कर दी, दैट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, नाउ यू विल नॉट हैव अ ड्राइव। अल्लाह ताला ने हम सब को, एक एक बंदे को, एक यूनिक ब्लूप्रिंट के ऊपर बनाया है। हमारा वो जो ब्लूप्रिंट है वही हमारी ज़िंदगी का जेट फ्यूल जो है वो उसकी सोर्स है। होता ये है कि हम एक बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा होता है, हमारे तीन, फ़र्ज करें बच्चे, हमें मालूम है कि तीनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं, कोई कोई आर्ट में इंटरेस्टेड है, कोई किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, कोई साइंसेज में इंटरेस्टेड है, बट हमारा जो होता है विजन ऑफ सक्सेस, हम उसके ऊपर फोर्स करके बच्चों को खुद ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि जो बच्चे का नेचुरल एक्सप्रेशन है, जो उसकी रूह का एक्सप्रेशन है, जो क्लू है उस ब्लूप्रिंट का जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने उस शख्स को बनाया है, वो हम उजागर ही नहीं होने देते, वो हम दबा देते हैं। फर्स्ट यू मस्ट फाइंड आउट हु यू आर, जिसके लिए एक मेरी वीडियो भी है ऑन आइडेंटिटी, प्लीज़ वॉच दैट। वंस यू नो हु यू आर, then you never make any compromises and you follow what makes you passionate, what makes you come alive, because रूह जो है वो आपके साथ एक particular language में communicate करती है। रूह की language है emotions। आप अगर अपनी emotions को value करना सीखेंगे, आपको वो clues value follow करने का तरीका आएगा। जब आपकी ज़िंदगी में एक purpose होगा, it is a passion driven life, ऐसा शख्स कभी भी lazy नहीं आपको नज़र आएगा। So I hope that helps in solving your problem regarding motivation or procrastination.